गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट मैथ चल रहा था कैलकुलस, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं मल्टीपल पॉइंट्स। जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स यानी अब हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल पॉइंट्स होते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, तो जब इस पॉइंट से बहुत सारी कर्व्स पास हों, जैसे दिस वन टू अनदर कर्व ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, यानी जब एक पॉइंट से मैनी कर्व्स पास हों, देन इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट्स। तो हम उसी की ही डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मल्टीपल पॉइंट्स क्या है। अ पॉइंट थ्रो विच मोर देन वन ब्रांचेस, जिस पॉइंट से एक से ज़्यादा ब्रांचेस पास हों ऑफ कर्व पास इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट्स। वही कह रहा है ये कि अ पॉइंट थ्रो विच मोर देन वन ब्रांचेस ऑफ कर्व, यानी एक पॉइंट से वन से ज़्यादा, टू भी हो सकती हैं, थ्री भी हो सकती हैं, फोर भी, और एन टाइम्स कितनी भी कर्व पास हो सकती हैं, उसे हम बोलेंगे मल्टीपल पॉइंट्स। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन यही है, अनदर डेफिनेशन भी कर सकते हो, वैसे तो इससे क्लियर हो जाता है। अ पॉइंट थ्रो विच देयर पास आर ब्रांचेस, आर ब्रांचेस का मीनिंग है कि आरथ टर्म तक, जैसे हम एन टाइम्स बोल सकते हैं, सेम ऐसे ही हमने आर टाइम्स बोला, आर ब्रांचेस ऑफ कर्व इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट ऑफ आरथ ऑर्डर, सो दैट अ कर्व हैज़ आर टेंजेंट। अगर उसमें से आर ब्रांचेज ऑफ कर्व पास हो रहे हैं तो उसमें से जो टेंजेंट होंगे वो भी कितने पास होंगे, आर ही, एट अ मल्टीपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर आर। तो सेम अब हम ये पढ़ेंगे कि सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट मीनिंग क्या है, एक पॉइंट से अगर एक ही कर्व पास हो रही है देन इट इज़ कॉल्ड सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट जो है हमारा डबल पॉइंट। डबल पॉइंट क्या है, अगर एक पॉइंट से दो कर्व पास हो रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक गई, फिर ये अनदर कर्व सेकंड बन गई, इट मीन्स जब एक पॉइंट से दो कर्व पास होंगी तो उसे क्या बोलेंगे, डबल पॉइंट। सेम ऐसे ही अगर एक पॉइंट से तीन कर्व पास होंगी तो उसे क्या बोलेंगे, थ्री पॉइंट। अगर एक कर्व से चार कर्व पास होंगी तो उसे बोलेंगे क्वाड्रिपल पॉइंट। देन इट इज़ क्लियर कि अगर एक पॉइंट से एक कर्व पास होगी तो उसे बोलेंगे सिंगल पॉइंट, अगर एक कर्व से दो कर्व पास होंगी तो उसे बोलेंगे डबल पॉइंट, अगर एक पॉइंट से तीन कर्व पास होंगी तो उसे बोलेंगे थ्री पॉइंट, और अगर एक पॉइंट से चार कर्व पास होंगी तो उसे बोलेंगे क्वाड्रिपल पॉइंट। ऐसे ही हमने बोला कि आरएथ भी जा सकती हैं कर्व, देन उसे बोलेंगे आरएथ पॉइंट या फिर मल्टीपल पॉइंट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमने ये किया है इसकी नोड क्या होती है, कस्प क्या होती है और कॉन्जुगेट क्या होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं नोड क्या होती है। द डबल पॉइंट आर रियल एंड टेंजेंट टू देम आर नॉट कॉन्सीडेंट। जब क्या हो, कहता है द डबल पॉइंट, जैसे अब ये था ना डबल पॉइंट, आर रियल, वो क्या होगी, रियल भी होगी एंड उसके टेंजेंट भी होंगे, देन आर नॉट कॉन्सीडेंट, और वो कॉन्सीडेंट नहीं होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉट। रियल का मीनिंग है जिसमें कि हम सम को सॉल्व करोगे आप वहाँ पे पता चलेगा, जहाँ पे कि आइटा वाली टर्म नहीं आएगी, जैसे हम रूट को सॉल्व करेंगे, फोर का रूट हमने किया टू, समथिंग ऐसा कुछ हमारे पास होगा जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा, इमेजिनरी पार्ट उसका नहीं होगा, रियल ही होगा। नेक्स्ट है कस्प। द डबल पॉइंट आर रियल एंड टेंजेंट टू देम आर कॉन्सीडेंट। यहाँ पे हमने बोला था नॉट कॉन्सीडेंट होगा देन इट इज़ कॉल्ड नॉट, अगर कॉन्सीडेंट होगा देन इट इज़ कॉल्ड कस्प।
कॉन्जुगेट कब होगा था, डबल पॉइंट आर इमेजनरी एंड टेंजेंट टू देम आर कॉन्सिडेंट। इसका क्या रीज़न होगा, एक तो इमेजनरी पार्ट होगा यानी आइटा वाली टर्म आएगी हमारे पास सॉल्व करके, और वो साथ साथ कॉन्सिडेंट भी होगा। तो हमने चार पार्ट पढ़े, पहले तो हमने ये पढ़ा कि मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि नॉट्स उसकी क्या होती है जब रियल वैल्यू दे और नॉट कॉन्सिडेंट हो, और नेक्स्ट हमने देखा कस्प जब रियल भी हो और कॉन्सिडेंट भी हो। इन दोनों में यही फ़र्क है कि वो कॉन्सिडेंट भी होगा। कॉन्जुगेट क्या होगा, जब उसको सॉल्व करके हमारे पास इमेजनरी आएगा, देन इट इज़ कॉल्ड कॉन्सिडेंट और कॉन्जुगेट। आगे है नेसेसरी एंड सुफिशेंट कंडीशन फॉर एनी पॉइंट टू बी ऑफ मल्टीपल पॉइंट। अब हमने क्या करना है, एक तरह का ये आर्टिकल ही है, छोटा सा रिजल्ट है। नेसेसरी एंड सुफिशेंट कंडीशन फॉर एनी पॉइंट टू बी ए मल्टीपल पॉइंट, हमने प्रूव करके दिखाना है, हम कोई पॉइंट लेके चलते हैं कि वो मल्टीपल पॉइंट है। ऑन अ कर्व एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो आर। अब हमारे पास ये दे रखा है कि एफ एक्स वाई इक्वल टू किसके है, ज़ीरो के। तो हमने क्या किया, इसका पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया, तो ये एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। सेम ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव किया, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। देन अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो यही ये क्या हो गया, मल्टीपल पॉइंट। आगे नेचर ऑफ अ मल्टीपल पॉइंट भी कैसे कैसे होता है, कब। अब हमने ये पढ़ा था कि नोड पढ़ी थी, कस्प पढ़ी थी, कॉन्जुगेट पढ़ी थी, अब इनको हम सम में कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स, जैसे अभी हम मैंने देखा था कि फंक्शन दे रखा था, उसका डेरिवेटिव किया, दोनों इक्वल आए, देन इट इज़ अ मल्टीपल पॉइंट। अब हम मल्टीपल पॉइंट में देखेंगे कि वो नोड बनती है, कस्प बनती है या फिर कॉन्जुगेट। तो हमने क्या करना है, अगर हम कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, पहले तो विद रिस्पेक्ट टू वाई जो आएगा, उसका फिर दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उस सारे की स्क्वायर। अगर वो लेस देन आती है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये वाला डेरिवेटिव लेस देन आता है, देन इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट, जो अभी हमने यहाँ पर किया था। क्लियर। कर्ल स्क्वायर एफ यानी पहले हमारे पास कोई फंक्शन होगा, पहले उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे, देन अगेन उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, उस सारे की स्क्वायर करेंगे, ये साइड सॉल्व हो जाएगी, फिर ये वाली साइड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, कॉन्जुगेट पॉइंट आएगा अगर ये लेस देन आता है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल, देन इट इज़ कॉल्ड कस्प यानी रियल एंड इक्वल, यानी जो भी हमारे पास रूट आएंगे वो क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। रियल का मतलब है कि आइटा वाली टर्म उसमें नहीं होगी। सेम एज अगर ये ग्रेटर आता है, अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं और ये ग्रेटर आता है, देन इट इज़ कॉल्ड नॉट। तो ये तीनों कंडीशंस हैं, अगर लेस देन आता है देन कॉन्जुगेट, इक्वल आता है देन कस्प, और ग्रेटर देन आता है देन नॉट। नेक्स्ट हम सम करेंगे, उसी पे ही प्रूव करके दिखाएंगे कि जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो क्या पूछती है। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑन द कर्व। पहले हमने पोजीशन बतानी है, उसके बाद हमें नेचर बताना है, यानी पहले तो हम इसके पॉइंट्स निकाल के देखेंगे कि वो डबल आते हैं या सिंगल। तो सबसे पहले वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है, ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, इसको हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई एक ही बात होती है, नोटेशन ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि वहाँ पे वाई कॉन्स्टेंट होगा, जैसे कि हम वाई इक्वल टू ए एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हैं तो ए कॉन्स्टेंट रहता है। सेम ऐसे ही जब हमारे पास मिक्स्ड कोई भी इक्वेशन होती है तो हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाई क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो 3x³ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, 3x² डेरिवेटिव ऐसे ही करते हैं कि पावर आगे आ जाती है और उसमें से 1 माइनस।
वाई वाली टर्म ज़ीरो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं। जब इसका करेंगे माइनस 14x, ये वाई वाली टर्म फिर ज़ीरो, प्लस 15, ये हमारे पास आ गया कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स। अब हम सेम ऐसे विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे। जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये भी ज़ीरो हो गया। इसका करेंगे माइनस 2y, क्योंकि पावर आगे 2 में से 1 कट करेंगे 1, ये फिर x वाली टर्म है ख़त्म, प्लस 4, ये भी x वाली टर्म है, ये कांस्टेंट ही है। तो कर्ल x हमारे पास ये आ गया, कर्ल y हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कर्ल एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो लेना है, कर्ल एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो लेना है, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो गिवन है, ये याद रखना है, ये हम सेटिस्फाइड करवा के दिखाएंगे। कर्ल एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो यानी ये इक्वेशन हमारे पास 3x² माइनस 14x प्लस 15 इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें इसके फैक्टर बना के इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टर बनाने के बाद, तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे x माइनस 3, 3x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, 3x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू एक 3 आ गई, एक 3x इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास एक तो आई 3 और दूसरी आई है 5/3। सेम ऐसे ही कर्ल एफ वाई, इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे, इसकी वैल्यू है माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, वाई इक्वल टू कट करके हमारे पास आएगा 2। यहाँ से x की वैल्यू 3 और 5/2 और y की वैल्यू हमारे पास 2 ही आई है। देन हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज डबल पॉइंट हैं, द पॉसिबल यानी ये पॉसिबल है, ये हो सकते हैं, क्या बनेंगे, एक तो 3 और 2, सेकंड बनेगा 5/3 और 2। एक 3 ये लिया, 2 ये लिया, 5/3 और ये 2 ये। अब हमें ये देखना है कि ये पॉइंट हमारे पास, इस जो हमारे पास एफ एक्स वाई वाली टर्म दे रखी है, यानी x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सारी वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये 0 आता है देन ये क्या होगा, हमारा डबल पॉइंट। और अगर ये वाला पुट करेंगे ये भी आता है तो ये, तो आप पुट करके देखोगे देन ये तो सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कहता है बट 5/3 और 2 डज नॉट, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लेट कर लेंगे, डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जब हम x की वैल्यू ये पुट करते हैं, y की वैल्यू ये पुट करते हैं, तो हमारा f ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है जब हम ये पॉइंट पुट करते हैं। इसीलिए हमें लिखा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाली सेटिस्फाई नहीं करती। तो जो 3, 2 है ये एग्जिस्ट करती है, तो देयरफॉर 3 और 2 इज द ओनली डबल पॉइंट, ये हमारा क्या होगा, डबल पॉइंट। अब हमें डबल पॉइंट तो फाइंड आउट कर दिया, लेकिन अब हमें क्या चेक करना है, नेचर ऑफ द पॉइंट। नेचर ऑफ पॉइंट मतलब हमें पता लगाना है कि ये नोड है, कस्प है या कॉन्जुगेट है, तीनों कंडीशन लगानी है। तीनों कंडीशन हमने क्या किया था कि हमें डबल डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके उसको बताना है कि वो ग्रेटर है, लेस है या, तो हमारे पास कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स ये था, इसका हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे। नाउ यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ वी चेक नेचर ऑफ पॉइंट। उसके लिए हम कर्ल स्क्वायर एफ
कर्ल एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, यानी इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव 2 आगे आएगा तो ये बनेगा 6x-14। सेम ऐसे ही हम कर्ल एफ कर्ल वाई स्क्वायर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, वो आएगा -2। फिर हम एक और करते हैं कर्ल स्क्वायर एफ एक्स वाई, मतलब कि कर्ल एक्स और कर्ल वाई, यानी जो कर्ल वाई था, कर्ल वाई ये था, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स वाली टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 0। अब हमें कंडीशंस लगा के चेक करके बताना था कि कौन सा, कि ये ग्रेटर आता है या लेस आता है या इक्वल आता है, वही हम चेक करेंगे नाउ। कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स कर्ल वाई होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 की स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0 ही। उसके बाद क्या करना था, कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 6x-14। मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 2। और जो हमारे पास गिवन डबल पॉइंट आया था वो क्या था हमारे पास 3 और 2। तो हम x की वैल्यू हमारे पास होगी 3 और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो अब यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 6 मल्टीप्लाई 3-14 मल्टीप्लाई -2 18-14 मल्टीप्लाई -2 4 मल्टीप्लाई -2 कितना आया -8। तो यहाँ से जो हमारा कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल कर्ल एक्स कर्ल वाई इक्वल टू इसकी होल स्क्वायर, और यहाँ पे कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल वाई स्क्वायर क्या आया, मतलब तीनों साइन में से इक्वल आया है, ये 0 है और ये -18 ग्रेटर देन आया है। ये हमारा क्या आया है ग्रेटर। तो हमने क्या बोला था, हमने ये कंडीशंस की थी अगर लेस है तो वो होगा कॉन्जुगेट, अगर इक्वल है तो होगा कस्प, ग्रेटर है तो वो होगा नोड। तो हमारा यहाँ पे जो आया है 0 ग्रेटर देन आया है, देन 3 और 2 इज अ नोड। तो हम इस तरीके से नेचर ऑफ चेक कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर करके, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट सम है सेम वैसे ही है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट। हमें किसी भी सम का नेचर निकालना हो, पोजीशन निकालना हो, टेंजेंट निकालना हो, इसी तरीके से करना है, बुक में आपको कुछ भी दिया हो। हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा, हम उससे क्या करेंगे, पहले सिंपली सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करवा के दिखाएंगे, लेस देन आता है, ग्रेटर देन आता है, इक्वल आता है। तो अब पहले हम fx, fxy इसको बनाएंगे, देन ये क्या बनेगा x-2 होल स्क्वायर -y, y-1 होल स्क्वायर। अब इसको पहले हम सिंपल भी कर सकते हैं, a² + b² - 2ab, इसको सॉल्व करेंगे -y a² + b² - 2y। ऐसे हमें डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा और कुछ नहीं, y³ अंदर करेंगे -y + 2y² ये हमारे पास आया f(x,y)। देन हम क्या करना है नाउ, वी चेक कि डबल पॉइंट है या सिंगल पॉइंट। तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे 2x-4, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, देन ये आ गया। सेम ऐसे ही कर्ल एफ बाई कर्ल वाई निकाल, ये 0, ये 0, ये 0, इसका करेंगे -3x² - 1+4y, 3 आगे स्क्वायर बच, सॉरी यहाँ पे वाई है,
y की पावर 2 बच गया, इसका डेरिवेटिव किया 1 और इसका किया 2 2 4y। फिर हमने क्या करना था, चेक करना था कि कर्ल एफ एक्स इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो कर्ल एफ एक्स हमारे पास था 2x-4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4/2, कट करके हमारे पास x की वैल्यू आई 2। सेम ऐसे ही हम कर्ल एफ कर्ल वाई को 0 के बराबर रखेंगे, वो हमारे पास क्या थी इक्वेशन, -3y² - 3y² 4y + 1। साइन चेक कर लो, ये प्लस था और ये माइनस। हमारी फर्स्ट डिजिट कभी भी हम माइनस को एडजस्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव, 4y + 1। जब हम साइन चेंज करते हैं, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था नेगेटिव, नेगेटिव था पॉजिटिव। इसका मीनिंग होता है कि हमने माइनस को कॉमन निकाला और उसको जीरो के साथ डिवाइड कर दिया। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो जो हम वो हमारे फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3y² - 3y - y + 1 = 0। तो यहाँ से एक बन गया 3-y = 0, एक बन गया y-1 = 0। तो हमारे पास y = 1/3 आ गया और y = 1 आ गया। देन जो हमारे पास पॉइंट बनेंगे, पॉसिबल पॉइंट, वो आ गया 2 और 1/3 और एक आ गया 2 और 1। अब हमें ये चेक करना है कि ये गिवन इक्वेशन में ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड होता है या ये वाला, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी इसमें। इसको हम क्या करेंगे, 1 लेट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो वहाँ पे नाउ चेक करने के बाद या पुट करके देखोगे कि करती है या नहीं, 2 1/3 ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, डज नॉट सेटिस्फाई। तो हमारा 2 और 1 क्या होगा, इज ओनली डबल पॉइंट। पहले तो हमने डबल पॉइंट फाइंड करना था, वो कर दिया। नेक्स्ट हमने अब चेक करना है नेचर ऑफ पॉइंट। नेचर ऑफ पॉइंट चेक करने के लिए हमें कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव था वो ये था, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 2, डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करेंगे, ये था सिंगल, -6y + 4 ये आ गया। अब ये इसमें तो एक्स वाई और एक और करना था, कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स कर्ल वाई, यानी जो वाई वाला था विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वो तो 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स वाली टर्म कोई भी नहीं है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू कितनी है 1 पुट करेंगे तो कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल वाई स्क्वायर -6 × 1 + 4 -6 + 4 = -2। अब नाउ वी चेक नेचर ऑफ पॉइंट। नेचर ऑफ पॉइंट चेक करने के लिए क्या करते थे, कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स कर्ल वाई इसकी होल स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल वाई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2, और इसकी वैल्यू थी -2, ये तो हमारी आई -4 और इसकी वैल्यू थी 0। अब देखो जो 0 है वो -4 से बड़ी है, छोटी है या इक्वल है, तो ये क्या है, ग्रेटर दैन, ठीक है, ग्रेटर है देन इट इज़ क्या बनेगी, नॉट। तो हमें यही चेक करना था कि वो नॉट बनती है, कस्प बनती है, डबल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, कॉन्जुगेट बनती है। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल आता तो कॉन्जुगेट बनती, ग्रेटर देन आता तो वो कस्प बनती, सॉरी अगर इक्वल आता तो कस्प बनती, ग्रेटर देन आता तो कॉन्जुगेट बन, लेस देन आता तो कॉन्जुगेट बनती, ग्रेटर देन आया तो
नॉट बनेगी। तो इस तरीके से हम सारे सम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं कि कैसे उसकी नॉट हमें चेक करनी है, कस्प चेक करनी है एंड सो ऑन। थैंक यू।